वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तो जी आज हम करेंगे ड्रेसिंग एरिए का मेकअवर तो देखिए सबसे पहले मैंने ली है ऐसे एम टी बोटल ली है शैम्पू की तो देखिए ये काफ़ी अच्छी होती है फ्रेंड्स तो इसको हम कबाड़ में फेंकने की बजाय यूज़ करेंगे तो हम इनसे खाली बोतल से प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हैं पोर्ट्स बना सकते हैं सुंदर सुंदर फेसेस देकर बट मैं इससे आज हम ड्रेसिंग में हमारी यूज़ के लिए कुछ बनाएंगे तो देखिए बस फ्रेंड्स सारे स्टिकर वगैरह मैंने उतार दिए हैं और थोड़ी सी शेप दे दी है तो हम इसको दीवार के साथ भी कील या थोड़ी सी लगा सकते हैं नहीं तो ये इसको सिंपली ड्रेसिंग पे रख सकते हैं तो देखिए थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी और कितना सुंदर लग रहा है दूसरा हमारा ये है जी इस तरह देखिए टॉयलेट रोल जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये वाला कार्डबोर्ड हम अक्सर फेंक देते हैं तो हमने क्या करना है एक गोल शेप में सर्कल शेप में एक छोटा सा मैंने सर्कल काटा है गत्ते का उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया और देखिए इसके ऊपर ग्लिटर शीट लगा दी है रोल के ऊपर और दोनों को इस तरह अटैच कर दिया है तो फ्रेंड्स अब इसके ऊपर ये अक्सर लेडीज़ के पास पड़ी होती है हमारी हाँ, सिंदूरदानी तो ये देखिए इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है तो इसको खोल के ले पी सकते हैं तो इसकी भी एक प्रॉपर जगह बन गई ऊपर से देखिए फ्रेंड्स इस तरह ना मैंने ये बनाया है हमारा बैंगल होल्डर देखिए कितनी सारी चूड़ियाँ और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये हम अपने ड्रेसिंग के पास रखेंगे जब जरूरत होगी कोई कड़ा हर कलर्स में हम ले सकते हैं तो देखिए हमारी चूड़ियाँ ऐसे रोलती भी नहीं रहती इस तरह हमारे बहुत सारे ये आ, काम में आ जाते हैं तो फ्रेंड्स अगला ये है जी इस तरह देखिए एक आ, इस तरह कागज़ है ये जैसे डाइनिंग टेबल के आ, होते हैं तो कवर होती हैं तो वो मेरे पास इस तरह मैट से छोटे चुट छोटे पड़े थे तो देखिए उनके पीस इस तरह अच्छे से निकाल कर हम एक ड्रेसिंग में हमारी ड्रेसिंग के पास लगाएंगे छोटी चुट छोटी पॉकेट से बनाकर बस इसमें मैंने मशीन वगैरह का यूज़ नहीं किया है इसको मैंने ग्लू गन से अटैच किया है तो जी बस उसको हम अपनी ड्रेसिंग के पास कर देंगे ताकि छोटी मोटी चीज़ें हम उसमें डाल सकें तो एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया अगला ये है जी फ्रेश रैप होता है अलमिनियम फूल के इस तरह देखिए मेरे पास दो तीन थे तो इस तरह फ्रेंड्स हम ये ख़त्म होने के बाद अक्सर फेंक देते हैं कार्डबोर्ड या कबाड़ में दे देते हैं तो देखिए इस पर हम फाइबर बचा हुआ कपड़ा भी लगा सकते हैं या फिर हम इस पर पे वॉल पेपर भी लगा सकते हैं वो काफ़ी टेन या फिफ्टीन की रेंज में आ जाते हैं ज़्यादा महंगे नहीं आते तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि ये कार्डबोर्ड एक तो मजबूत होते हैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के जैसे फ़ोन के कवर हो गए और एलुमिनियम फोल के हो गए तो ये ना अक्सर काफ़ी सालों साल चलते हैं तो इस तरह जी ऊपर से कटर से हम क्लीन कर देंगे और इस तरह या तो वाल लगा देंगे और या फिर कोई आ, कपड़ा लगा देंगे आ, अच्छा सा फाइबर तो देखिए जी इस तरह मैंने एक तो यू बनाया हुआ है वॉलपेपर लगा कर दूसरा मैंने देखिए इस तरह एक वेंगल बॉक्सा बनाया हुआ है तो इसके अंदर देखिए मैंने काफ़ी सारी अपनी आ, रबड़ें रखी हुई है और इसको देखिए इस तरह बंद भी कर सकते हैं और नहीं तो हम अपने आज हम इसका यूज़ लेंगे अपने ड्रेसिंग एरिया के पास ताकि हमें झटपट से सारी रबड़े मिल जाएं हमारी रबड़े मेरी इधर उधर रुलती रहती हैं तो अब ये प्रॉपर एक जगह पे मैं इसे लगा दूंगी जब हमारा सारा सामान ये रेडी हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम ड्रेसिंग एरिया के पास सब कुछ करेंगे तो जी इधर देखिए अब मैंने फ्रेंड्स क्या करा है अक्सर ये छोटे से पेन जब ख़त्म हो जाते हैं तो पेन फेंक देते हैं तो मैं जी ये पेन का जो ऊपर का होता है तो ये देखिए इसको मैंने ग्लू गन से इस तरह दीवार के साथ अटैच किया हुआ है मैंने सारे अपने बोर्डों के पास जो भी मेरे बिजली के बोर्ड हैं उनके पास अटैच किया हुआ ताकि चार्जर वगैरह हम हैंग कर सकें तो ये देखिए अब मैंने फ्रेंड्स क्या करें एक घड़ी का बड़ा सारा कार्डबोर्ड थे ये दो पीस आ, तो ये एक अच्छा बॉक्स था तो मैंने इसके इस तरह दो हिस्सों में मैंने अपने ड्रेसिंग के एरिए में लगाया ताकि मैं छोटी मोटी चीज़ें हैं नील पेंट है रिमूवर है कोई सीरम है तो मैं वो हल्का फुल्का सामान हम रख सकते हैं तो ये भी ग्लू गन या डबल साइड टेप से हम इसको अटैच कर सकते हैं और ये देखिए जी इधर मैंने जो भी हमारे पेन की कैप है मैंने इनका यूज़ किया है हम कुछ भी चार्जर वगैरह है और है लगाना है या देखिए मैंने इधर अपना ये ड्राइर Uh, कुछ भी हम स्टेशनर हैंग कर सकते हैं चीजें तो ये काफ़ी बाहर झल लेता है छोटा सा एक कैप है देखने में कुछ नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा काम की चीज है तो मैंने जी देखिए दो तीन यहाँ पे हैंग कर दिए एक फैन की तार भी आती है ये मैंने अभी इधर देखिए जो हमने बनाया था हमारा वेस्ट ये जो डाइनिंग टेबल के कवर से फटा हुआ था उससे पीस निकाल कर तो देखिए ये ग्लूगन से अटैच की थी छोट छोटी छोटी पॉकेटें तो देखिए छः पॉकेटें बन गई इनमें छोटे मोटे मैं अपने ब्रश वग़ैरह है मेकअप ब्रश है कुछ भी है जो तो देखिए काजल वग़ैरह है सिंदूर वगैरह जो कुछ भी है मेरा कॉस्मेटिक का सामान है तो मैं इसमें काफ़ी सारा डाल सकती हूँ तो इधर फ्रेंड्स इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे तो ये भी मैंने देखिए कपड़े से बनाया है बाजू से हमने दो पीस थे तो उनसे ही मैंने ये कॉम वगैरह डालने के लिए ऑर्गेनाइजर बनाया है तो फ्रेंड्स इधर हम ड्रेसिंग के एरिया के लिए मैंने एक अमेजोन से ये आ, लॉन्ड्री बास्केट भी छोटी सी देखिए वैसे तो लॉन्ड्री बास्केट काफ़ी रेंज में आती है आठ नौ सौ की तो फ्रेंड्स ये मेरे को सही रेंज में पड़ी है तो देखिए बिल्कुल हल्की फुल्की सी है बट काफ़ी सारा बाहर इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं तो मैंने फ्रेंड्स क्या करा है ड्रेसिंग के इधर देखिए एरिए में इधर साइड सी में ही मैंने इसको दो ऐसे की लगा कर इसको मैंने इस तरह देखिए हैंग कर दिया है अब हम इसमें काफ़ी सारे अपने कपड़े जितने भी होंगे वो हम डाल सकते हैं तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे तो ये चीज़ तो देखिए इसमें कितने सारे हमारे कपड़े आ जाएंगे और साइड में भी ये इस तरह हैंग रहेगा तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए हम मेरा छोटा सा है ये ड्रेसिंग रूम बट मैंने छोटी छोटी चीज़ों से अच्छी तरह इस तरह डेकोरेट किया है तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और इसमें मैं काफ़ी सारे कपड़े इसमें डाल लेंगे और ये दीवार के साथ इस तरह अटैच रहेगी अगला इस तरह जी देखिए जो हमने ये एलुमिनियम फॉइल का जो हमने कार्डबोर्ड है वो हमने बॉक्स था इसको जो डेकोरेट किया है इसको भी मैं दीवार के साथ ही हैंग करूँगी ताकि मुझे इधर ये जो भी छोटी मोटी मेरी रबड़ें क्लचर छोटे छोटे हैं तो वो मुझे लेने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स मैं इधर साइडों में मेरे पीवीसी शीट लगी है तो हम इधर सब कुछ हैंग करते